एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शिवानी ड्रीम लाइफ। होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे और हेल्दी होंगे। सो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसमें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे 10 इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक जो कि आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करेंगे, आपको वायरसेस, फ्लू और कोल्ड जैसी बीमारियों से हेल्प करेंगे प्रिवेंट करने में। और इनका अगर आप इनटेक करते हो तो आपके बॉडी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी6 कोई भी डिफिशेंसी नहीं होगी। और इनका इनटेक आपको डेली लाइफ में सपोर्ट करेगा हेल्दी रहने में, फ्रेश रहने में और आपको सेफ रखने में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा नाम डॉक्टर शिवानी सिंह है, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ एंड अ पब्लिक हेल्थ एम्प्लॉय भी हूँ और आज मैं आपके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको लास्ट में पसंद आए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलते हैं और आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हेल्दी ड्रिंक मैं आपका शेयर करने जा रही हूँ जो कि है सिट्रस फ्रूट, ग्रेप फ्रूट या कोई भी ऐसा विटामिन सी जिसमें सिट्रस सब्सटेंसेस हो। तो आप उसका इंटेक करोगे तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, बोन डेंसिटी अच्छे से मेंटेन रहेगी, प्लस आपको और भी बीमारियां नहीं होंगी लाइक कोल्ड, फ्लू और एनी वायरसेस जो आपको बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे आपको उससे प्रिवेंट करेंगी। तो आप इसको मिक्स करके बना सकते हो, डायरेक्टली इंटेक भी कर सकते हो, बट आपको हेल्दी रहना है तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको जूस का या ड्रिंक बना के आपको इंटेक करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स या आप साथ में यूज़ कर सकते हैं कोई भी सिट्रस सब्सटेंस। जो दूसरे ड्रिंक मैं आपके शेयर करने जा रही हूँ उसमें आपको यूज़ करना है ग्रेप्स, ग्रीन एप्पल एंड कैरेट। तो आप इन तीन चीज़ों का मिक्स करोगे तो आपकी बॉडी में इंटेक होता है विटामिन सी का, विटामिन ए का एंड विटामिन बी सिक्स का। तो आपके तीनों इंटेक आपको विटामिन के हो रहे हैं और आपकी बॉडी में इनकी डिफिशेंसी नहीं होगी और ये तीनों इंटेक आपके बॉडी को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते ही करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। थर्ड ड्रिंक जो आपके यहाँ शेयर करने जा रही हूँ उसमें आपको यूज़ करना है बीट रूट, कैरेट, जिंजर एंड एप्पल। तो आप इन चारों चीज़ों को अगर आप मिक्स करते हो तो ये भी बहुत हेल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी को हेल्प करता है इन्फेक्शन से फाइट कर। इन चार चीज़ों में आपको मैंने मिक्स करने के लिए इसलिए बताया है क्योंकि इन चारों चीज़ों में आपको मिलेगा विटामिन ए जो कि आपको कैरेट में मिलेगा, कैरेट में आपको विटामिन बी भी मिलता है, विटामिन बी सिक्स भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है और बीटरूट में आपको मिलता है विटामिन बी नाइन और आपको विटामिन सी मिलता है एप्पल में। तो आपको इन चारों चीज़ों का भी इंटेक करना है जिससे कि आप हेल्दी रह सकें और आपकी बॉडी में इन सारी चीज़ों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैपेबिलिटी है। टोमेटोज, तो आपको टोमेटोज का भी जूस बना के आपको पीना है। टोमेटोज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए और आपको इन्फेक्शन या कोई भी फ्लू या कोई भी सिम्टम से आपको आ रहे हैं वीकनेस के या सिकनेस के तो आपको उसको फाइट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको टमेटोज का इंटेक करना ही करना है, आप इसका जूस बना के पी सकते हैं, इसको डायरेक्टली इंटेक कर सकते हैं, सैलड में यूज़ कर सकते हैं। तो टोमेटोज आपके लिए हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको मिलता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स एंड विटामिन के। तो इन सारी चीज़ों का इंग्रेडिएंट मिल के आपको इतने सारे विटामिन आपको मिल रहे हैं तो टोमेटोज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है गाइस। तो आपको टोमेटोज इंटेक जरूर करना है। मैं आपको बताने जा रही हूँ फिफ्थ ड्रिंक जिसमें आपको यूज़ करना है केल, टोमेटोज एंड सैलरी। तो आपको इन तीन चीजों का भी इंटेक करना है, अगर आप इन साथ को मिक्स करके पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप तीनों को अलग अलग भी इंटेक कर सकते हो, जूस बना के भी इंटेक कर सकते हो, सॉलिड भी इंटेक कर सकते हो। तो इन तीन चीजों का मिक्सचर इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपकी बॉडी को हेल्थ और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने। आपको मिल जाता है विटामिन सी, विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन के, विटामिन बी सिक्स। तो इन सारी चीजों का इंग्रेडिएंट्स मिलकर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप ये ड्रिंक भी जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट ड्रिंक मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ उसमें आपको यूज करना है स्ट्रॉबेरी एंड कीवीज। तो स्ट्रॉबेरीज एंड कीवीज में आपको बहुत ही अच्छा हेल्पफुल मिल रहा है इंग्रेडिएंट्स का क्योंकि स्ट्रॉबेरीज जो होता है वो सिट्रस फ्रूट है और उसमें होता है विटामिन सी और कीवी भी ये होता है जो कि आपको हेल्पफुल करता है विटामिन सी इंटेक के लिए। तो इन दोनों चीजों का इंग्रेडिएंट्स आपको मिक्स करके पीना है लाइक आप स्मूदी बना लो, जूस बना लो, डायरेक्टली इंटेक कर लो। तो स्मूदीज वगैरह भी बहुत अच्छी बनती है इसकी, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो और बहुत टेस्टफुल चीज़ें अगर आप बनाओगे तो आप बोर भी नहीं होगे, प्लस आपको नई नई चीज़ों को खाने का और इनका फ्लेवर टेस्ट करने का भी मौका मिलेगा, प्लस आप हेल्दी भी रहोगे और फिट रहोगे इन सारी चीज़ों का इंटेक करके, प्लस आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं। सेवन्थ में आपके शेयर करने जा रही हूँ जिसमें आपको यूज़ करना है स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज का। तो स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इसको ड्रिंक करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इंग्रीडियंट्स इंटेक होता है। जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी एंड मैंगोज बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं विटामिन ए के, विटामिन सी के, विटामिन
बी के, मैग्नीशियम के, पोटेशियम के, और अगर आप इनका स्मूदी बना के पीते हो तो आपको इसमें यूज कर सकते हो मिल्क एंड आलमंड्स। और एट्थ में आपको बताने जा रही हूँ आपको यूज करना है ड्रिंक करने के लिए वाटरमेलन का और मिंट का। तो वाटरमेलन और मिंट बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है एक अच्छे हेल्दी जूस के लिए। आप इसको ड्रिंक कर सकते हो, डायरेक्टली भी इनटेक कर सकते हो, बट अगर आप मिंट के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं वाटरमेलन को, तो आप इसको बहुत ज्यादा हेल्दी बना रहे हैं। और आप इसका इनटेक करेंगे तो आप बहुत ज्यादा अच्छे हेल्दी सेफ और फिट रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वाटरमेलन में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, मैग्नीशियम होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ कि आपको इनटेक करना है पम्पकिन सीड्स का। तो पम्पकिन सीड्स का आप जूस बना के भी पी सकते हो, रॉ भी खा सकते हो, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल करता है आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके बोन डेंसिटी के लिए हेल्प करता है, आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। और इसका अगर आप जूस बना के पीते हैं या आप रॉ भी खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाने। पम्पकिन सीड्स में होते हैं आपको मिल जाता है जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड पोटेशियम। तो इन सारी चीजों का भी आप इंटेक कर रहे हो तो आप एक हेल्दी फाइबर डाइटफुल चीज खा रहे हो, और ये आपको यूज कर सकते हो। आप लाइक स्मूदी बना लो तो आप रॉ मिल्क का साथ में यूज कर सकते हो, आप इसके साथ में कोई भी और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर सकते हो, बट आपको पम्पकिन सीड्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपकी इम्यून सिस्टम डेवलप। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट मैं आपके शेयर करने जा रही हूँ एक और ड्रिंक जिसमें आपको यूज करना है ग्रीन एप्पल, लेटस, मिंट लीव्स और साथ में केल। तो आपको इन चार चीजों का भी यूज करना है। ग्रीन एप्पल आपको पता है विटामिन सी, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम का इंटेक करता है। केल आपको पता है कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, आपके बोन डेंसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आपको मिल जाता है पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक एंड विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी6, फॉलिक एसिड। तो ये सारी चीजें का इंटेक करके अगर आप स्मूदी बना रहे हो या कोई जूस बना रहे हो या नॉर्मली ड्रिंक कर रहे हो या डायरेक्टली इंटेक कर रहे हो, तो ये भी इस कोविड पेंडेमिक में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मेरे कुछ 10 इंग्रेडिएंट्स जो मैं खुद भी यूज कर रही हूँ, खुद भी ड्रिंक कर रही हूँ, और बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, टेस्टफुल होता है। आप स्मूदी बना सकते हो, ड्रिंक बना सकते हो, जूस बना सकते हो, या किसी के साथ डायरेक्टली भी इंटेक कर सकते हो, सैलड बना सकते हो। बट अगर आप इन सारी चीजों का इंटेक कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी में सारे हाई फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स का इंटेक कर रहे हैं। आपको विटामिन में मैंने आपको बताया कि विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी6, फॉलिक एसिड्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, इन सारी चीज़ों का आपको इंटेक, इन सारी चीज़ों को मिला के आपको मिल सकता है। आप ऐसे फ्रूट्स यूज कर रहे हैं, ऐसे वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं जिससे कि आप हाई फाइबर, हाई डाइट प्रोटीन सारी चीजों का इंटेक कर रहे हो। सो गाइस, इस कोविड पेंडेमिक में अगर हम ये सब चीजें ट्राई कर रहे हैं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर रहे हैं और फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस, अगेंस्ट एनी फ्लू, एनी वायरस, एनी इन्फेक्शन। सो गाइस, हमें ये याद रखना है कि हमें घर पे रहना है, सेफ रहना है, फिट रहना है, हेल्दी रहना है, हेल्दी डाइट का इंटेक करना है, हेल्दी फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स का इंटेक करना है, मास्क जरूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हैंड वॉश रेगुलरली करना है, और बिना वजह बाहर नहीं जाना है। सो गाइज, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, फिर मैं इसी तरीके से लिए आपके लिए न्यू वीडियोज लेके आती रहूंगी और आपको इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियोज प्रोवाइड करती रहूंगी। गाइज, मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगी इसी तरीके से एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।